हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? अच्छा चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ। जैसे हम बाहर जाते हैं स्कार्फ लगाकर बिना स्कार्फ लगाकर, तो हमारे माइंड में ना एक बात जो है स्ट्राइक करती रहती है कि यार आज अच्छी खासी स्किन की जो है वो डैमेज बैंड बच जाएगी, है ना। ये बात हम अपने स्किन के लिए सोचते हैं, बट क्या हम ये बात अपने बालों के लिए सोचते हैं? नहीं, हम ये बात अपने बालों के लिए नहीं सोचते, क्योंकि हमें लगता है कि बालों की उतनी करने की उतनी ज़रूरत नहीं होती है जितनी स्किन की। बट अगर आप अपने पूरे बॉडी के स्किन की केयर करेंगे और बालों की केयर नहीं करेंगे, तो आपके बाल जो है वो डैमेज हो जाएंगे। क्योंकि जैसे हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो अपने स्किन पे लगाते हैं, कभी केमिकल पीलिंग करते हैं, कभी फेस वॉशेस, कभी नए नए तरह के क्रीम्स हम अप्लाई करते रहते हैं, ऐसे में दैट हम हमारे बालों को भी वैसे ही नए नए प्रोडक्ट्स के साथ ट्राई करते रहते हैं। लाइक कभी हम कर्ल करेंगे, कभी हम किसी तरह का सीरम अप्लाई कर लेंगे, अच्छे खासे डैमेज हमें तब देखने को मिलते हैं जब हम अपने बालों को कर्ल करते हैं, हीट करते हैं या फिर कलरिंग करते हैं। आपको पता ही होगा कि कलरिंग करने से हमारे बाल जो है वो कितने ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं और उनमें बिल्कुल शाइन नहीं बचती, लेकिन धीरे धीरे जो है हेयर्स रफ होने स्टार्ट हो जाते हैं और वो चीज़ हम बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। अब आप ही सोचिए कि अगर आपकी स्किन अच्छी नहीं दिखेगी, एज लाइक उसमें डार्क स्पॉट्स हो जाएंगे, पिंपल हो जाएंगे, ओपन पोर्स हो जाएंगे, कलर उसका अच्छा नहीं दिखेगा, उसी तरीके से हमारे बाल जो है अगर नीचे से उनकी कटिंग जो है वो प्रॉपरली नहीं होगी, स्प्लिट एंड्स, रफ, डल, डैमेज, ये सब चीज़ें अगर बालों में दिखती है ना, तो अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। क्योंकि हमारे आउटर अपीरियंस में जितना रोल हमारा स्किन अच्छा दिखने में करता है, उतना ही हमारे बाल एक इम्पैक्ट डालते हैं हमारे आउटर अपीरियंस पे। आप मानेंगे कि नहीं ये बात। सो इस वीडियो में मैं आपको ऑयलिंग करना दिखाऊंगी, एक हेयर मास्क शेयर करूंगी आपके साथ, जिससे ना आपके बाल अगर रफ है, डैमेज है, डल है, बहुत ही रूखे लग रहे हैं, तो इसे लगाने से आपके बाल जो है वो बहुत ही शाइनी स्मूथ हो जाएंगे। मैं ऑलरेडी इस मास्क को ट्राई करके आप बैठी हूँ एंड यू कैन सी कि मेरे बाल कितने अच्छे से शाइन कर रहे हैं एंड बहुत ही अच्छा एक टेक्सचर जो है वो मेरे बालों में आ चुका है, राइट। सो अगर आपको भी बालों को अच्छा करना है तो आपको इस मास्क को एक बार अप्लाई करना ही चाहिए, देन आप अपने रिव्यूज जो है कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। एंड उसके बाद लास्ट बट नॉट द लिस्ट, बालों को अच्छे से डे टू डे केयर करने के लिए, जैसे कि लिव ऑन सीरम आता है एंड स्ट्रिक्स के जो सीरम्स आते हैं, एक अलग सा बजट है, बट अगर मैं आपको बोलूं कि हम घर में ही उसी तरह का सीरम बना सकते हैं और डेली बेसिस पे उसे लगा सकते हैं, जिससे हमारे बाल डल नहीं दिखेंगे, ऑयली चिपचिपे नहीं दिखेंगे, सो क्या ही बात हो जाएगी, है ना। सो इस वीडियो में आपको ए से लेकर जेड तक पूरे आपके बालों का केयर जो है वो मैं बताने वाली हूँ। सो बने रहिए आखिरी तक इस वीडियो में मेरे साथ एंड लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। अब हेयर केयर में सबसे पहले ऑयलिंग की बात आती है, तो ऑयलिंग के लिए आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं, बट शर्त ये है कि आपको गरम गरम ऑयल जो है फिर आपके स्कैल्प में लगाना है, तो उससे क्या होगा, आपके स्कैल्प के रूट्स खुल जाएंगे और ऑयल जो है आपके स्कैल्प के अंदर अच्छे से घुस पाएगा और उसके न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर वे में अपना काम कर सकते हैं। तो ये है हमारे हेयर मास्क बनाने के इंग्रेडिएंट। द मेन इंग्रेडिएंट इज दिस बनाना एंड दिस एग टू। इन दोनों का कॉम्बिनेशन ना आपके बालों को सिल्की और स्मूथ बनाने में बहुत ही अच्छा होता है। अब यहाँ मैंने लैवेंडर एसेंशियल ऑयल लिया है, ये आप चाहे तो ले सकते हैं और मतलब इट्स टोटली अप टू यू। एंड ये है टी ट्री एसेंशियल ऑयल, ये दोनों भी आपके बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। एंड लास्ट इज़ विटामिन ई का कैप्सूल, आप चाहे तो एक या फिर दो विटामिन ई के कैप्सूल भी ले सकते हैं। एंड इन सब चीज़ों को अभी अच्छे से मिक्स करना है। सो जो केले का जो पेस्ट था वो मैंने यहाँ पर निकाल लिया है, बिल्कुल ऐसा ही थिक सा कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। और ये है एग योक और एग वाइट, इन दोनों को अच्छे से मिक्स किया। अब मैं इसको इसमें पोर करूँगी और बाकी के जितने भी हमारे इंग्रेडिएंट्स थे उनको सबको इसके अंदर पोर करके इसका एक पेस्ट बना लूँगी। सो दिस इज़ द फाइनल मास्क। जैसा ये कंसिस्टेंसी है इसी तरीके का आपको भी कंसिस्टेंसी लाना है और इसको अभी हम जितने भी हमारे ड्राई और फ्रिजी हेयर्स हैं उसमें लगाएंगे।
इस मास्क को आपको पूरे हेयर पे लगाना है जैसे मैं दिखा रही हूँ उस डायरेक्शन में। इसमें ना एग योक है और एग वाइट भी है। इसमें ना भरपूर मात्रा में विटामिन होते हैं जो आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, एज लाइक विटामिन ए, विटामिन ई, बायोटीन और फ्लोरेट नाम का एक सब्सटेंस होता है। ये सब चीज़ें ना आपके बालों के ग्रोथ के लिए एंड बालों को सॉफ्ट बनाने के लिए अमेजिंगली वर्क कर, और बनाना भी आपके बालों को मॉइस्चराइज करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। साथ ही मैं आपके स्कैल्प को भी ना डैंड्रफ फ्री कर देता है। अब एक घंटे के लिए इस मास्क को अपने बालों पर ऐसे ही लगे रहने दीजिए और उसके बाद कोई भी केमिकल फ्री शैम्पू के साथ अपने बालों को वॉश कर लीजिए। मास्क बनाने के लिए मैं यहाँ पर ग्रीन टी का यूज़ करूँगी और उसके साथ ग्लिसरिन और साथ में बादाम तेल। इन तीनों का कॉम्बिनेशन आपके बालों को बहुत ही अच्छा बना देता है। एक्चुअली ग्लिसरिन का यूज़ मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे एलोवेरा सूट नहीं करता, तो अगर आपको एलोवेरा सूट करता है ना तो गो विथ एलोवेरा, आप उसके बदले ग्लिसरिन को ऐड कर सकते हैं। अब ग्रीन टी को अच्छे से ना बॉईल कर लीजिए, उसका न्यूट्रिएंट जो है वो पूरा आना चाहिए। और जैसे कि ये पानी है, ये हमारा हेयर सीरम का बेस होगा। अब इसके अंदर हमने जितने भी और हमारे बाकी के लिक्विड्स थे ना, उन सब चीज़ों को पोर कर देना है और अच्छे से इस सीरम को मिक्स करना है। यहाँ पर मैं ग्लिसरिन बहुत ही कम अमाउंट में ले रही हूँ, अदरवाइज़ ये जो हेयर सीरम है ना वो बहुत ही चिपचिपा हो जाएगा। अगर आप एलोवेरा जेल ले रहे हैं तो आप 1 टेबल स्पून, इतनी क्वांटिटी पानी में 1 टेबल स्पून एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं और इसे 1 हफ्ते के लिए आप फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं और लगा सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर मैंने अपने बालों को वॉश कर लिया है और इसके बाद फिर यूज़ करने से पहले शेक करना है ताकि जितना भी ऑयल है वो अच्छे से मिक्स हो जाए और उसके बाद आपको आपके पूरे हेयर्स में इसे यूज़ करना है। ग्रीन टी का यूज़ हमने इसलिए किया क्योंकि ग्रीन टी के अंदर ना कैटेचिन नाम का एक प्रोडक्ट होता है जो बहुत ही भरपूर मात्रा में होता है और वो आपके बालों में से डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन को कम करता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है हेयर लॉस के लिए। ग्रीन टी के अंदर ना पॉलीफिनॉल नाम का एक सब्सटेंस होता है जो आपके बालों के रूट्स के लिए और फॉलिकल के लिए बहुत ही अमेजिंग होता है, हेयर ग्रोथ को स्टिम्युलेट करता है, जल्दी से जल्दी बढ़ने में बहुत ही मदद करता है। बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स है वो आपके बालों को स्मूथ बनाने में और शाइनी बनाने में। देखा आपने कितना इजी एंड सिंपल तरीका था अपने बालों को केयर करने का, क्योंकि जब आप अपने बालों को छूते हैं ना कितना अच्छा लगता है यार मास्क लगाने के बाद। सच में मैं खुद से इतनी ऑब्सेस्ड हो चुकी हूँ अपने बालों से, मतलब मैं छूते ही नहीं थक रही हूँ इनको। ओके, सो इस मास्क को आपको हफ्ते में कम से कम एक बार, या फिर बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुके हैं, डैमेज है तो 2 बार आप इस मास्क को अप्लाई कर सकते हैं। एंड ऑयलिंग जो है वो आप जिस दिन शैम्पू करते हैं उसके 3-4 घंटे पहले करके रख सकते हैं। एंड ये जो सीरम है वो आप रेगुलर बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर आपकी मर्जी, आपको जैसे लगाना है वैसे लगा सकते हैं। सो हियर आई टेक माय लीव नाउ। एंड अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा और मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे, मेरा रेमेडी अच्छा लगा, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके आपके रिव्यूज़, आपके थॉट्स शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और साइड में जो नोटिफिकेशन बेल है ना उसको भी क्लिक कर देना ताकि आप तक मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। सो स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड बाय बाय।